गृह मंत्री अमित शाह का आज दो दिन का दौरा समाप्त हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। शुभेंदु अधिकारी ने जो बीजेपी ज्वाइन किया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है, जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई, गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी कौन किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? हाईकोर्ट ने दखल करनी पड़ती है, सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तैयारी का जो अभियान है, उसमें दो दिन से मैं बंगाल में हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी रैली में गया था। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। मैं जयंतो घोषाल आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। क्या राजनीतिक हत्याओं को सफलतापूर्वक ममता बनर्जी के खिलाफ उठाने में और उनके नेताओं को अपने नेताओं अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है इस राउंड में कम से कम? देखिए अंजना जी, अमित शाह जी का जो स्ट्रैटेजी है, मैं उसको तारीफ करता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसे एक राज्य है जहां भाजपा का बिल्कुल, इसको नॉन बेस एरिया ऑफ बीजेपी कहा जाता था, और वहां अभी भी पश्चिम बंगाल में असेंबली में 3 MLA हैं, ये बहुत लोग भूल गए हैं, लेकिन अभी मैं याद करा देता हूं, ओनली 3 MLA, लेकिन लोकसभा में 18 MP मिलना, ये इसके बाद भी अगर हम कहेंगे कि बीजेपी को सफलता नहीं मिल रहा है तो इट इज कैनॉट बी करेक्ट। लेकिन अमित शाह जी जो स्ट्रैटेजी, अमित शाह जी ने एक बार कहा था ना कि पैन इंडियन पार्टी बनना है तो पश्चिम बंगाल भी हमको विक्ट्री लाना है, तो पश्चिम बंगाल में आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनीतिक हिंसा का मुद्दा, ये अगर कैंपेन करते 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 एक माहौल, एक जैसे आपको एक माइंडसेट, मैं कहता हूं इसको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लगता है चुनाव हो गया है, लगता है नतीजा निकल गया है और भाजपा जीत गए हैं, ये जो एक माइंडसेट बनाना, ये भी एक जनरल ऑफ द आर्मी जी, इसके लिए बहुत जरूरी होता है, उसमें सफलता है। लेकिन ममता बनर्जी, जैसे शाहनाज भाई बोल रहे थे ना कि ममता के लिए शाहनाज जी का जो रिश्ता है वो मैंने खुद आंखों से देखा है, कितना मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन आपको शाहनाज जी, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ऑल्सो इज ए फाइटर, और अभी राहुल गांधी कहाँ है, ये मैदान में राहुल गांधी को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी कम से कम जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर में है, इलेक्शन कमीशन का रोल है, एनफोर्समेंट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इस समय लड़ रहे हैं और अभी चुनाव अब जीत गए हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए।